बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला आज है। पट्टी कल्याण के सेवा साधना ग्राम केंद्र में ये कार्यशाला होगी। आपको बता दें कि 6 लोकसभा के 2715 शक्ति केंद्र प्रमुख शामिल होंगे। मंडलाध्यक्ष, महामंत्री, मंडल पालक समेत 3100 कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे और सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समापन करेंगे और शाम 4 बजे समापन समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि कार्यशाला में 2024 चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। तो सुबह आज 11 बजे इसका शुभारंभ यानी कि कार्यशाला का शुभारंभ हो जाएगा और इस कार्यक्रम में आज जेपी नड्डा भी शिरकत करने वाले हैं। शाम 4 बजे शिरकत करेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। शाम 4 बजे समापन समारोह में शामिल होंगे और आपको बता दें कि काफी अहम ये बैठक आज मानी जा रही है। कार्यशाला में 2024 को लेकर मंथन किया जा रहा है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सुमित भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, इस बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, क्या अपडेट? बैठक को लेकर स्थिति पूरी तरह से तैयारी नजर आ रही है। कब से की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो रही थी, उन पर का संकट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुद यहाँ पर दौरा किया था और 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। कार्यक्रम कब होगी शुरू किया जाएगा। हरियाणा में 10 लोकसभा है तो सबसे पहले 6 लोकसभा क्षेत्र के जिलों से 24 जिलों से तकरीबन 15 शक्ति केंद्र भी यहाँ पर भाग लेंगे। सभी महामंत्री, मंडल पालक सहित 3100 कार्यकर्ता होंगे और कार्यशाला का यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ 11 बजे किया जाएगा और जितने भी प्रदेश के सांसद है, मौजूदा मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर की यह बैठक है और बहुत ही अहम बैठक ये होने वाली है। राष्ट्रीय जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, मंत्री यहाँ पर होंगे, इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को जो आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा। सुमित, ये भी बताइए, देखिए जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, इसके अलावा भी कि क्या कोई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस कार्यशाला में? जेपी नड्डा यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तमाम हरियाणा के मंत्री तमाम हरियाणा के मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और सांसद जो अच्छे सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे और ये अनुमान किया जा रहा है कि उन्होंने शायद कोई ना कोई बड़े नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी की रिश्तेदारी नहीं हुआ, अभी तक इन्हीं के नाम जो है प्रमुख सामने आए हैं तो और भी कोई ना कोई बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी पहुंच सकते हैं। सुमित, ये भी बताइए क्योंकि देखिए काफी तादाद में आज जो है कार्यकर्ता इसमें जुटने वाले हैं, किस तरीके का उनमें जो है उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कार्यकर्ता, क्योंकि सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ होने जा रहा है, क्या जो कार्यकर्ता हैं ये पहुंचने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ कार्यकर्ता जिनकी पहले ड्यूटी लगाई गई जाएगी उनको लेकर वो कल से यहाँ पर मौजूद है और आज भी जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंडल अध्यक्ष हो, महामंत्री हो या मंडल पालक हो, तो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी तकरीबन जो है 10:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे जो कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। तो इसे लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।